ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ, जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता है। तेरी सब कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत, और कितनी नई शाम का आभास। कल रात मैंने एक कहानी लिखी, लिखते समय मुझे डैडी की याद आई जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया था। मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं के बारे में लिखूं, उन दिनों के बारे में जो हमने साथ साथ बिताए थे, उन लोगों के बारे में जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, उन घटनाओं के बारे में जो मेरे बचपन का हिस्सा थी, खट्टे मीठे अजीब सुंदर हर तरह के रंगों से भरे। डैडी, डैडी, देखो मेरे हाथ में क्या है। ओहो, अरे ये तो लेडी बर्ड है रस्टी, ये तुम्हें कहाँ मिली? बाहर घास पर। डैडी, ये कहाँ से आई होगी? आसमान से टपकी होगी, शायद बारिश की छोटी छोटी बूंदों के साथ। हाँ, ये जरूर आसमान से ही आई होगी। देखो रस्टी, मुझे अब राजा साहब के बच्चों को पढ़ाने जाना है। मैं भी चलूंगा। चलो आओ। डैडी, हम्म, आपको राजा साहब के बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है? बेटे, मुझे किसी को भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और फिर राजा साहब तो कितने मजेदार आदमी है। टी गार्डन में मैनेजर होने से भी अच्छा। मैं शुरू से ही टीचर रहा हूँ रस्टी, मैं चाहकर भी टीचिंग नहीं छोड़ सकता। और फिर दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मौसम भी कितना अच्छा है ना, और राजा साहब ने हमें कितना अच्छा बंगला दिया है, नौकर चाकर कार एवरीथिंग। रस्टी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ रस्टी, आई एम वेरी हैप्पी। Good morning, Mr. Bond. Good morning, Master Rusty. Good morning. Nice day. A nice day indeed. Oh, yes. Thank you. सब जगह, हर तरफ। क्या ये दुनिया के अंत तक जाता है? देखो रस्ते, ये है दुनिया, इसकी गोलाई में जगह जगह समुंदर है। नहीं, दुनिया गोल नहीं हो सकती। पर है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि हम इसकी गोलाई देख नहीं पाते ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मक्खी एक तरबूज पर आके बैठे तो उसे भी ऐसा ही लगेगा कि तरबूज सीधा है ना। और दुनिया के मुकाबले में तो हम सबसे छोटे कीड़े से भी ज्यादा छोटे हैं। क्या तुम सारी दुनिया घूमे हो? सिर्फ इंग्लैंड तक गया हूँ, तुम्हारे दादा वहां पैदा हुए थे। क्या इंग्लैंड इंडिया से अच्छा है? वो इंडिया से काफी अलग है। अलग का क्या मतलब? मतलब वहां की चीजें यहाँ जैसी नहीं होती, मतलब लोग यहाँ जैसे नहीं होते, मतलब पेड़ पौधे पंछी जानवर
कीड़े मकोड़े भी अलग कर। क्या इंग्लैंड का मगरमच्छ इंडियन मगरमच्छ से अलग होता है? रस्टी ये देखो, इंग्लैंड ये है इंग्लैंड। देखो रस्टी, इंग्लैंड में मगरमच्छ होता ही नहीं, दूसरे देशों से मगरमच्छ लाकर यहाँ पर जू में रखते थे। ओ, तब तो वो सचमुच अलग है। रस्टी जरा ये सोचो, अगर सब जगह एक जैसी होती तो ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाती है ना रस्टी। गुड मॉर्निंग, बैठिए आप लोग। तो आज हम लोग अरिथमेटिक पढ़ेंगे। दुखी? तुम्हारा नाम दुखी क्यों है? क्या तुम बहुत दुखी रहते हो? मैंने तुम्हें कभी खड़े हुए नहीं देखा। क्या तुम ऐसे ही बैठे बैठे पूरे गार्डन में पहुंच जाते हो? अच्छा दुखी, क्या तुम बहुत बूढ़े हो? क्या तुम 36 साल के हो? नहीं नहीं, शायद तुम 86 साल के हो। अगर तुम 36 साल के हो तो बहुत बूढ़े लगते हो, लेकिन अगर तुम 86 साल के हो तो बहुत जवान लगते हो। लेकिन एक बात मुझे मालूम है, ये फूल तुम्हें बहुत पसंद है। कपड़े जल्दी बदलो ना बाबा। रस्टी बाबा, रोड इज क्लियर। साहब देखिए ना, ट्रम्प 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 अलोंग द हाईवे, ट्रम्प 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 अलोंग द हाईवे। क्या हम हमेशा इंडिया में रहेंगे? नहीं, एक दिन हमें जाना पड़ेगा। क्यों? ये समझाना मुश्किल है रस्ती, लेकिन ये हमारा देश नहीं है। आया कहती है कि इंडिया इंग्लैंड के राजा का है और जो हीरे जवाहरात उसके ताज में है वो इंडिया से लिए गए हैं। जब इंडियंस को अपने हीरे जवाहरात वापस मिल जाएंगे तो इंडिया राजा का नहीं रहेगा, लेकिन पहले उन्हें ताज लेना पड़ेगा। और आया कहती है ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ताज हमेशा उनके सर पे रहता सोते हुए भी। खैर एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। हम यहाँ कितने सालों से हैं? 200 साल से। नहीं, मेरा मतलब हम। तुम 9 साल से यहाँ हो, तुम तो यहीं पैदा हुए हो ना रस्टी। तो क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? तुम यही रहना चाहते हो क्या? मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ। डैडी, हम आया को भी साथ ले जा सकते हैं ना? गुड नाइट रस्टी। रस्टी बाबा, अपना प्रेयर बोलो और सो जाओ। चलो, मुझे कहानी सुनाओ राजकुमारी वाली। राजकुमारी वाली? अच्छा। एक थी राजकुमारी, बहुत खूबसूरत। एक दिन सवेरे सवेरे उसको एक सांप दिखाई दिया। सांप बोला
मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं काट लूंगा। राजकुमारी डर गई और उसने शादी कर ली। शादी के बाद सांप अपनी दुल्हन को लेकर एक खजाने के पास गया और बोला, पिछले जन्म में मैं एक राजकुमार था और ये सारा खजाना मेरा है, इसे तुम ले लो। राजकुमारी ने सुनकर हाथ जोड़ दिए और जब देखा तो अचानक सांप गायब हो गया था। जब सांप सवेरे सवेरे दिखाई देना तो वो बहुत लकी होता है। डैडी, हमारे गार्डन में बहुत सांप है ना? बहुत सारे हैं। और देखो जिस तरफ घास ज्यादा हो वहां तो मत जाना, क्योंकि वहां तो तुम्हें वो दिखाई भी नहीं देगा। डैडी, एक दिन मैंने सुबह सुबह सांप को सड़क पार करते हुए देखा था। डैडी, आया कहती है अगर सुबह सुबह किसी को सांप दिखाई दे तो वो बड़ा लकी दिन होता है। हाँ बेटे, लेकिन सांप को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। देखो अगर तुम उसे छेड़ोगे नहीं ना तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर तुमने गलती से भी उसके ऊपर पाँव रख दिया तब तो वो तुम्हें काटेगा और फिर मैं मर जाऊंगा। डैडी, क्या सब सांप जहरीले होते हैं? हाँ बेटा, लेकिन सबका जहर इतना तेज नहीं होता कि आदमी मर जाए। हाँ, चूहे और मेंढक जरूर मर जाएंगे। डैडी और मैं लंबी सैरों पर जाते थे, पुराने खंडहरों को खोजते, तितलियों का पीछा करते और पहाड़ी नदियों को देखते हुए मेरे सवालों की बौछार से डैडी कभी नहीं उठते थे। तब मैं 10 साल का था, लेकिन डैडी मुझसे खूब दिल खोलकर हर विषय पर बात करते थे। दुनिया की खबरें, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताते या फिर बीती हुई बातें। यू नो रस्ती, तुम्हारे दादा सिर्फ बाग में और घर के पास पेड़ लगाने में खुश नहीं थे, बारिश के दिनों में वो छोटे छोटे पौधे अपने पॉकेट्स में भरकर यहां लाकर बोते थे। कहते थे, देखना एक दिन यहां जंगल खड़ा हो जाएगा। मैं उनसे पूछता, कौन तुम्हारा ये जंगल देखेगा, यहां तो कोई भी नहीं आता। और वो कहते, मैं इन्हें लोगों के देखने के लिए नहीं बो रहा हूं, मैं इन्हें धरती के लिए बो रहा हूं और उन पंछियों और जानवरों के लिए जो उसमें आके रहेंगे। जब मैं 4 साल का था, मेरी मां डैडी को छोड़कर अलग हो गई। उनकी याद धुंधली सी हो चुकी थी। बस यही एक विषय था जिस पर डैडी बात करना पसंद नहीं करते थे। छोटू साहब, योर स्पेशल ऑमलेट। ये ऑमलेट तो बहुत मजेदार है। डैडी, आपने खाना बनाना किससे सीखा? जब मम्मी आती तब भी आप खाना बनाते थे क्या? कभी कभी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब मैं इंग्लैंड में था तब तो मैं हर रोज खुद ही खाना बनाता था। क्यों, मम्मी आपके लिए खाना नहीं बनाती थी? बेटे तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी ना। मम्मी हम दोनों को क्यों छोड़कर चली गई? डैडी, तुम्हारी मम्मी हमें क्यों छोड़कर चली गई ये मैं तुम्हें समझाऊंगा एक दिन जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। वो कहां चली गई डैडी? मुझे पता नहीं रस्ती। तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं डैडी, लेकिन सबकी मम्मी होती है ना। कोई बात नहीं, मैं सचमुच तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं।
मैं भी अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूं। ये गुलदस्ता किसके लिए बना रहे दुखी? आज तो किसी का जन्मदिन नहीं है। है छोटे साहब, आज किसी का जन्मदिन है। पार्टी भी होगी क्या? नहीं, पार्टी नहीं होगी। उफ, क्या फायदा जन्मदिन का अगर पार्टी ना हो और ढेर सारे प्रेजेंट्स ना हो। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें पार्टी और प्रेजेंट्स अच्छे नहीं लगते, बस उन्हें तो फूल अच्छे लगते हैं। वो कौन है दुखी, कौन है? तुम जानना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम ही ये फूल उन्हें दे आओ, ठीक है? सबसे कोने वाला हिस्सा है ना, वही रहती है सबसे ऊपर वाले कमरे में। जब तुम ऊपर जाओगे तो 23 सीढ़ियां चढ़ना, तब जाके बिल्कुल उस कमरे के सामने पहुंच जाओगे। जाओ बेटा। जाओ जाओ। क्या तुम भूत हो? नहीं, मैं लड़का हूँ। अच्छा, मैं लड़की हूँ। हम दोस्त बन सकते हैं। मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम ही अंदर आ जाओ। आओ, आओ, मैं भूत नहीं हूँ। तुम रस्ती हो ना, और साहब के बेटे। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? आप बढ़ते वाली औरत हैं। मुझे तो इतना ही मालूम है, दुखी ने मुझे इतना ही बताया। तुम्हें एक बात बताऊं, लेकिन किसी को मत बताना। सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ। तुम्हें भी ऐसा लगता है? अगर तुम समझते हो कि मैं पागल हूं तो बता देना। मुझे लगता है तुम सच बोलते हो। सच बोलना तुम्हें मुश्किल तो नहीं लगता? कभी कभी। कभी कभी? मैं तो कभी कभी बहुत झूठ बोलती हूँ, छोटे छोटे झूठ, यूं ही मजाक के लिए। अब तुम इसे क्या झूठ कहोगे? आप क्या झूठी हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं राजकुमारी थी और अब रानी हूं तो तुम मान जाओगे? कोशिश करूंगा। तुम्हें सचमुच विश्वास करना होगा मैं सचमुच एक रानी हूं। ये देखो देखो, ये हीरे जवाहरात ये सब मेरे हैं, और ये हीरे मोती एक रानी के सिवाय किसी के पास हो सकते हैं? हाँ, आप रानी ही होंगी। तो फिर योर हाइनेस को। योर हाइनेस? तुम कितने प्यारे लड़के हो, मैं तुम्हें शायद ढेर सारा प्यार दूं, या इससे भी अच्छी चीज चॉकलेट, तुम्हें पसंद है? Yes, Your Highness. इंग्लैंड से आए हैं ये, तुम दो ले सकते हो, सिर्फ दो, नहीं तो थर्सडे तक सारे चॉकलेट खत्म हो जाएंगे और सैटरडे तक मुझे चॉकलेटों के नए डिब्बे नहीं मिलेंगे। तब कैप्टन मैकफर्सन का जहाज आएगा चॉकलेटों से भरा हुआ। सारे जहाज की चॉकलेट आपके लिए होंगी क्या? हाँ, सारे मेरे लिए। बस। अच्छा, मैं चलता हूँ, आया मुझे ढूंढ रही होगी। तो फिर कब आओगे? पता नहीं,
योर हाइनेस। पता नहीं योर हाइनेस। एक छोटा सा काम है, कर दोगे मेरे लिए? क्या काम है योर हाइनेस? जो असली राजकुमार होते हैं वो पूछते नहीं कि क्या काम है, बस वादा कर देते हैं। एक बार मैंने एक राजकुमार को तालाब से कमल का फूल लाने को कहा था, तैर कर जाना पड़ा उसे। तो वो ले आया क्या? डूब गया बेचारा। अब इससे सीख मिली तुम्हें, कभी पूछे बिना वादा नहीं करना। पर आप तो पूछने पर नाराज। जो पहले बोल रही थी उससे क्या मतलब, जब आप बोल रही हो उस पर ध्यान दो। अच्छा तो बताइए। कुछ नहीं। अगर कोई खतरा ना हो तो मैं आपका काम कर दूंगा। तो फिर सुनो, मुझे एक लाल गुलाब का फूल चाहिए हमारे बागीचे से, पर होशियार रहना, कहीं दुखी तुम्हें पकड़ ना ले। उसे मालूम है मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है और वो मुझसे नफरत करता है, मगर खैर इसका किस्सा फिर कभी सुनाए। मगर अगर उसने तुम्हें मेरे लिए गुलाब चुराते देख लिया तो कुछ कर बैठेगा। मुझे? नहीं, अपने आप को। शायद वो अपने को उल्टा पुल्टा बांध कर लटका दे योग के आसन की तरह, या कांटों पर लेट जाए, या शायद भूख हड़ताल कर ले। जब वो भूख हड़ताल करता है तो मुर्गी, बादाम, पिस्ते, मेवे के अलावा कुछ नहीं खाता। तो होशियार रहना। नहीं नहीं, दुखी आपसे नफरत नहीं कर सकता। ये फूल उसी ने तो आपके जन्मदिन के लिए भेजे हैं। मेरे जन्मदिन के लिए? क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं। खैर मैं रख लेती हूँ। बहुत सुंदर है ये फूल और तुम लोगों की शुभकामनाएं। बहुत देर हो गई, अब मुझे घर जाना है।